नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, हरियाणा हमारी नर्सरी है। और आज आपको चंदन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कब इसके पौधे लगते हैं, कितनी इनकम है, क्या इससे फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस मिट्टी में लगेगा, कब लगेगा। तो अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, पेज को फॉलो कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब हो कर लें। तो सबसे पहले बता दूँ कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में कौन सा चंदन होता है। तो उत्तर भारत के जो किसान हैं, देखने वाले किसान, उनके लिए जो है वो सफ़ेद चंदन की खेती है वो कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन हमारे इधर का सबसे बेस्ट जो क्लाइमेट में चलने वाला पौधा है वो सफ़ेद चंदन है। चंदन में वैरायटियों की बात करें तो चंदन में दो वैरायटियाँ होती हैं, एक सफ़ेद चंदन होता है, एक लाल चंदन होता है। जो हमारे पास है वो सफ़ेद चंदन भी है और लाल चंदन भी है। तो जो अपने इधर होता है वो होता है सफ़ेद चंदन। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, MP, ये सब जो एरिया है, उत्तर भारत का जो एरिया है, यहाँ पे होता है सफ़ेद चंदन की खेती है वो की जाती है। इसके साथ में आपको बता दूँ कि सफ़ेद चंदन का जो पौधा है वो कितने टाइम में तैयार होता है। तो ये 12 से 15 साल में है वो तैयार हो जाता है। इसके लिए मिट्टी और पानी है वो रेतीली मिट्टी से लेके और काली दोमट मिट्टी में ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। इसके लिए एक ही कंडीशन है कि इसमें पानी बहुत खड़ा नहीं रहना चाहिए, यानी पौधे के पास में 12 घंटे से ज़्यादा पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए छोटे पौधे में। अगर उससे मेच्योर पौधा है तो वो थोड़ा पानी खड़ा रहने की क्षमता उसमें है, वो हो जाती है। सफ़ेद चंदन का पौधा आपको जो आपको दिखाई दे रहा है, सफ़ेद चंदन का पौधा है जो आपको यहाँ पर लंबी दूरी तक दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा दूँ निकाल के। फिर भी ये सफ़ेद चंदन का पौधा है इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है। जब भी आप पौधा लें, ग्रीन और हेल्दी कंडीशन में पौधा लें, ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन है। पूरे के पूरे पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं कितने हेल्दी हैं। काफ़ी संख्या में हमारे पास सफ़ेद चंदन के पौधे हैं वो रहते हैं। इसके साथ में और बता दूं, इसके अंदर जो ये लाल मेहंदी आपको दिखाई दे रही है नीचे, लाल मेहंदी जो किसान सोचते हैं ये अकेला पौधा होता है, ये पैरासाइटरी पौधा होता है, यानी कि इस पौधे में होस्ट प्लांट जो आपको दिखाई दे रहा है, प्राइमरी होस्ट ये जो आपको दिख रही लाल मेहंदी है और परमानेंट होस्ट जो कैजुना बोलते हैं, अभी आपको हमारे फार्म पे लगे हुए भी दिखाएंगे। तो ये चंदन के पौधे हैं, इसको लगाने के लिए क्या क्या सावधानी है, कैसे लीगल है या नहीं है, वो भी आपको हम अपने फील्ड पे जाके बताएंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो चंदन के पौधे हैं वो लगे हुए हैं, काफ़ी मोटा स्टंप जो इनका है वो हो रखा है। ये हमारी नर्सरी पे है वो पौधे हैं वो लगे हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी मोटा तना जो है इनका हो चुका है। अगर मैं स्टंप की बात करूँ तो इसका स्टंप आपको दिख रहा होगा कितना मोटा है, हो चुका है। ये 2.5 साल की प्लांटेशन हमारी है, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के ऊपर है। यहाँ पे 300 पौधे हैं वो लगे हुए हैं। अब बहुत से किसानों के दिमाग में ये आता है ये लीगल है या नहीं है, यानी कि हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो 2002 के बाद में इसकी प्लांटेशन आप वो कर सकते हैं, उससे पहले ये अलाउड नहीं था लगाना, लेकिन 2002 के बाद में इसकी प्लांटेशन हम कर सकते हैं। ये भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितना सुंदर पौधा है, पूरी कनोपी बना के तैयार है। और आपको पीछे भी जो है हमारा एक पौधा और है, एक पौधा क्या, हमारे यहाँ पे 300 पौधे हैं वो लगे हुए हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी कनोपी इसने बना रखी है, और इधर भी देखोगे तो आप काफ़ी मोटा जो तना है इसका हो रखा है। ये पूरा 2.5 साल का पौधा है और काफ़ी हाइट है इसने, करीबन 12-13-15 फीट के करीबन हाइट है वो ले रखी है। इसके साथ में जो होस्ट प्लांट लगता है वो भी दिखा दूँ आपको किस तरीके से होता है। ये वाला होता है इसका होस्ट प्लांट, जिसको हम बोलते हैं कैजुरीना। ये पौधे से 5 फुट की दूरी पे है जो लगाया जाता है इस तरीके से, यानी कि पौधे से इसकी दूरी होनी चाहिए 5 फुट, 5 फुट की दूरी पे ये होस्ट प्लांट है लगाया जाता है। तो ये इसको खाना देता है, प्राइमरी तौर पे जो लाल मेहंदी है वो खाना देती है, उसके बाद में है वो ये जो अपना कैजुरीना है, इसको सरू भी बोलते हैं, इसको खाना देता है। होस्ट प्लांट में सबसे अच्छा कैजुरीना है, देसी नीम है और देसी कीकर है, ये तीनों होस्ट प्लांट्स जो सबसे बढ़िया चंदन के लिए माने गए हैं। तो ये तीनों जो पौधे हैं वो लगा के भी आप जो है इसको अच्छी ग्रोथ है वो करवा सकते हैं। इसके साथ में आपको बता दूं कि इसकी बेचने के लिए कोई समस्या वाली बात है नहीं, केवल DFO होता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उससे हमें NOC लेनी पड़ती है, और वो NOC भी नहीं कह सकते हम, वो होता है ट्रांसपोर्टिंग परमिशन, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग टीपी लेनी पड़ती है, जो हम एक जगह से दूसरी जगह पौधा लेके जाते हैं। जब हम काटते हैं इसको तो कहाँ से पौधा कहाँ तक जा रहा है इसके लिए हमें परमिशन वो लेनी पड़ती है, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आराम से अपनी फार्मिंग वो कर सकते हैं। और इसके साथ में जो इसकी खेती करके किसान है वो अच्छा इनकम है वो ले सकता है। इसका जो मार्केट वैल्यू है वो बता दूं,
जो इसकी गिरी का सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू होता है, जैसे हमने जान लिया कि एक सिस्टम के अंदर जो ललाई होती है उसी तरीके से इसके अंदर भूरे रंग का हार्डवुड बोलते हैं, बाहर का जो होता है उसको सेफ वुड बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा कीमत है वो हार्डवुड की होती है, यानी कि जो इसके अंदर गिरी होती है जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, इस तरीके जो गिरी होती है इस गिरी की कीमत है वो सबसे ज़्यादा होती है, और वो आज के टाइम में 15 से 25 हज़ार रुपये के जी है। अब बहुत से किसान पूछेंगे 15 और 25 में तो काफ़ी डिफरेंस हो गया, तो वो उसकी ऑयल की मात्रा पे डिपेंड करती है कि उसमें कितनी ऑयल की मात्रा है, वो उसके हिसाब से उसका रेट होता है। इसकी बहुत से किसानों के मन में ये भी सवाल आता है कि इतने लोग लगा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आगे जाके कहीं इसकी मार्केट वैल्यू गिर नहीं जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, भारत में केवल 20 से 25% ही जो चंदन है वो उपलब्ध है जितनी खपत है उसका, यानी कि 75% हमें बाहर से ही इसको लेना पड़ता है। खपत बता दूं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ इसका यूज होता है, ताकि जो किसान हो उनको ये भ्रम ना रहे कि ये इसका उपयोग क्या है। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग वो मेडिसिन के अंदर है, मेडिसिन में जो हमारी दवाइयाँ बनती हैं तो उसके अंदर इसका प्रयोग वो किया जाता है। और इसका प्रयोग इसके साथ में जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं उसके अंदर भी इसका प्रयोग है वो किया जाता है। इसका प्रयोग समय के अनुसार बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उस तरीके से मेडिसिन की खपत भी बढ़ेगी और ब्यूटी प्रोडक्ट हैं उनकी भी डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ को लगा के आपको भय करने की ज़रूरत नहीं कि आज का मार्केट वैल्यू ये है तो आगे जाके इसके कई मार्केट वैल्यू गिरेगा। ये पौधा अगर आपने 1 एकड़ में पौधे लगा लिए तो आज के टाइम में कम से कम 3 करोड़ रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 करोड़ रुपये का 1 एकड़ है वो जला जाएगा। बस टाइम ये है कि 12 से 15 साल आपके पास टाइम होना चाहिए इस पौधे को रखने के लिए। 12-15 साल में पौधा तैयार होता है और एक अच्छी इनकम है वो देखी जाता है। अगर आपको चंदन का पौधा चाहिए, जानकारी चाहिए या वो किसी संबंधित जानकारी चाहिए तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस नंबर पर कॉल करें। सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और अगर आप कोई किसान भाई आके देखना चाहता है तो ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी गांव मंडान तहसील तोसाम जिला भिवानी हरियाणा है, वहां पे आके देख सकता है। जो दूर से फार्मर आए वो कॉल करके आए, पहले वाले दिन कॉल कर लें। अगर किसी को और जानकारी चाहिए या हमसे जुड़ना चाहता है तो आप जो आपको स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं इस पे व्हाट्सएप पे जाके हाय हेलो लिखें तो हमारा पूरा डिटेल आपके पास आ जाएगी। वहाँ एक आपको लिंक मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है कि आप अधिक जानकारी के लिए ग्रुप में जुड़े। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लें तो आपको ग्रुप में जुड़ जाओगे। वहाँ पे आपको समय समय पर चंदन से संबंधित, खेती बाड़ी संबंधित, पेड़ पौधों संबंधित जानकारियाँ आती रहती हैं, हम वहाँ डालते रहते हैं और आप हमसे वह जुड़ जाओगे। और जो किसान भाइयों के मन में कोई और क्यूरी है किसी तरीके की तो आप हमें कमेंट में लिख के बताएं, वो भी आपको क्लियर करेंगे। तो ये खेती है करके आप अच्छा इनकम कर सकते हैं प्राप्त। और जिन किसानों के पास कम एरिया है वो अपनी बाउंड्री पे लगा सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो अपने 1 एकड़ 2 एकड़ से शुरुआत कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी ने 30 एकड़ से एक एक फार्मर के प्लांटेशन की है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनका रहा है, काफ़ी हेल्दी पौधा है वो हो गया है उनका। 1 साल 1.5 साल में प्लांटेशन में काफ़ी करीबन उन्होंने 10 फीट की हाइट है वो ले ली है। जब भी आप पौधा लें जहाँ से भी लें, एक बार फिर बता दूँ आपको, अच्छी क्वालिटी का ग्रीन पौधा लें। अगर आप हमसे पौधा चाहते तो ऑल ओवर इंडिया हमारी सप्लाई है, हमसे पौधा ले सकते हैं। शर्त है कि आपके पौधों की संख्या 100 से कम नहीं होनी चाहिए और जिस रूट से हमारा गाड़ी निकलती है उस रूट पर आके आपको पौधे हैं वो मिल जाएंगे। इसके साथ में अगर आप और भी खेती है वो कर सकते हैं, ये नहीं कि हमारे हमने चंदन लगा दिया तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। समय समय पर इसके साथ में अलग अलग खेती, जो बीच में जगह बच जाती है उसके अंदर आप परंपरागत खेती है वो भी अपने 5-6 साल तक आराम से कर सकते हैं, सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए ताकि हम आपके लिए और ऐसी जानकारी लाते रहें। धन्यवाद।